सो गाइस ये है वीआईपी रोड। हम वीआईपी रोड से राम मंदिर जाएंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे आसपास अगल बगल नहीं मुड़ना है, सीधे जाना है। अगर आप पीछे के रास्ते से आ रहे हैं डूमर तराई थोक सब्जी मार्केट तरफ से तो ओके लेट्स गो। सो गाइस हमको आगे से लेफ्ट टर्न लेना है। ओके आगे हमको लेफ्ट टर्न लेना है और वीआईपी रोड है गाइस, तो वीआईपी रोड से ही कनेक्टेड है ओके राम मंदिर। सो हम अभी जा रहे हैं राम मंदिर, रायपुर का राम मंदिर ओके, जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी यूनिक स्टाइल उसका बना हुआ है ओके। सो लेट्स गो चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे है ये होटल ओके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा समोसे मिलते हैं ओके। एंड अभी हम जा रहे हैं ओके, ये सामने गाड़ी है। सो गाइस हमें अभी वीआईपी रोड में ओके। सो ये है वीआईपी रोड। ये रोड गाइस हम अपोजिट जा रहे हैं, इफ़ हमें एयरपोर्ट जाना होता तो हम उधर जाते ओके। सो अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ एंड आगे ही राम मंदिर है ओके। सो लेट्स गो चलते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर है गाइस और काफ़ी दुर्लभ मूर्ति भगवान राम जी का वहाँ है ओके। सो लेट्स गो चलते हैं, देखते हैं वहाँ। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं राम मंदिर ओके, एंड चलते हैं अंदर एंड देखते हैं ओके। सो लेट्स गो गाइस, मैं अभी शाम में आऊँ क्योंकि लाइटनिंग यहाँ का जो है गाइस वो शाम को ही देखने लायक होता है ओके। सो लेट्स गो चलते हैं अंदर में। सो गाइस हम आ गए हैं राम मंदिर में ओके। ये है राम मंदिर का गेट और यहाँ पे श्री राम सीता पूजा सामग्री भंडार है दुकान, यहाँ पे आप पूजा सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे सारे लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं घर अपने। एंड अभी हम दर्शन करने अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी सुंदर गेट है और यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं ओके। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिठाइयाँ की दुकान मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक से एक मिठाइयाँ आप प्रसाद के रूप में यहाँ से ख़रीद के अपने घर ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी मिठाइयाँ यहाँ पे बिक रही है, सॉरी बट रही तो नहीं, बिक रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है ओके। गाइस यहाँ पे चप्पल उतार और यहाँ पे राम लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता है 50 रुपये प्रति नग में। सो गाइस अंदर चलते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव गेट है। और ये रहा मंदिर भगवान श्री राम जी का, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइटिंग तो देखिए काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब दर्शन करके आ जा रहे हैं ओके। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल फाउंटेन भी है, काफ़ी लाइटिंग की सुविधा है फाउंटेन के अंदर भी देख सकते हैं, है ना, मज़ा आ गया ओके। देखिए गाइस काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मूर्ति रखी गई है और नीचे वहाँ पे दान पात्र हैं, आप अपने स्वेच्छा के से दान पात्र में दान कर सकते हैं। इन्होंने रामायण की रचना की थी, सॉरी लिखी थी उसको, है ना। और यहाँ गरुड़ स्तंभ है, ऊपर गरुड़ की मूर्ति भी बनाई गई है और पीछे वाटर फाउंटेन है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर, देखिए गाइस। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे मत घसीटो उसको यार। और ये सीढ़ी जो है जो चल नहीं सकते उसके लिए, है ना, व्हील चेयर के थ्रू उसको ले जाया जाता है वहाँ। और ये हम बाई सीढ़ी जा सकते हैं ऊपर से, है ना गाइस, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ का गार्डनिंग और लाइटनिंग काफ़ी सुंदर लग रहा है। लाइटनिंग तो काफ़ी अच्छा लग रही है शाम में एंड गार्डनिंग भी काफ़ी अच्छा किया गया है यहाँ पर। चलो मंदिर को देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं लाइट जब उसमें पड़ रही है तो, है ना, काफ़ी सुंदर मंदिर लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके भगवान श्री राम जी के मंदिर में, है ना, देखिए गाइस। और यहाँ पे फूल पत्ती तोड़ना मना है और ये देख सकते हैं भगवान राम ही की तरह जब वो छोटे थे वैसे यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, है ना। और ये देखिए गाइस काफ़ी सुंदर है ना, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। राजवाड़ा स्टाइल में ये मंदिर को बनाया गया है गाइस ओके। राजस्थान के कलाकार लोग यहाँ पे आए थे बनाने के लिए इस मंदिर को, है ना, राजस्थान के लोग, है ना, देख सकते हैं। झूमर भी और यहाँ पे मस्त झूमर भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत लोग दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे भेंट पात्र का है ना। चलिए अंदर चलते हैं, रामेश्वर शिव मंदिर जी का भी दर्शन कर लेते हैं ओके।
चलिए चलते हैं अब उधर। ये पेड़ पौधे तो जब लाइटनिंग पड़ी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और ये कारीगरों ने भी काफ़ी अच्छे से मंदिर को डिज़ाइन किया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे को ये मंदिर। आप देख सकते हैं वाव कितना ब्यूटीफुल है यार। और ये हाथी का प्रतिमा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, वेरी ब्यूटीफुल। और अब हम जा रहे हैं हवन कुंड की ओर, यहाँ पे हवन होता है। ओके सो लेट्स गो, चलते हैं। मैं हवन कक्ष को आपको पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फूल पत्ती गार्डनिंग भी किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। वहाँ पे वाटर फाउंटेन को भी देखिए, और वहाँ पे और चलते हैं नवग्रह की ओर। सो गाइस, यहाँ से है नवग्रह की ओर जाने के लिए रास्ता। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा गार्डनिंग है, लोग बैठे हैं मस्त आराम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके भजन कीर्तन सुनते हुए। और यहाँ पे है नवग्रह मंदिर, और नवग्रह मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे दान पात्र, और यहाँ पे नवग्रहों की प्रतिमा रखी गई है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। और ये नवग्रह की मंदिर आपको दिखाता हूँ एक एक करके, सारी देवी देवताओं को, नवग्रह देवों को, है ना, बुध शुक्र शनि रवि और सोम, ये सारे नवग्रह यहाँ पे उपस्थित है। और ऊपर में नवग्रह का मंत्र भी है, देख सकते हैं नवग्रह मंत्र ऊपर में भी है। एंड चलिए चलते हैं। ओके ये देखिए नज़ारा यहाँ से, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, लाइट्स तो काफ़ी सुंदर लगाई गई है यहाँ पे। एंड बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे, वाटर फाउंटेन देखो, काफ़ी अच्छा सुंदर वाटर फाउंटेन है। और ये देखिए मंदिर, मंदिर का व्यू देखिए सामने से, फ्रंट से काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ये मंदिर। यहाँ से अभी जाने का फ़िलहाल तो मूड ही नहीं है मेरा, है ना। सो अभी तो अभी दर्शन भी नहीं किए हम मेन राम भगवान जी का, है ना। चलो अभी अंदर करते हैं अब दर्शन हम। चलिए गाइस ऊपर, जय श्री राम, पैर छू लेता हूँ सीढ़ी से, है ना, मनोकामना पूरी कर देंगे भगवान हमारे श्री राम जी। चलिए ऊपर, देखिए गाइस काफ़ी लोग आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। ये आरती का टाइम है गाइस, है ना, भजन कीर्तन हो रहा है, देख सकते हैं काफ़ी मन से सारे लोग यहाँ पे भगवान की दर्शन कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आने के बाद। चलिए गाइस देखते हैं, और ये काफ़ी लोग बैठते हैं यहाँ पे, 500 लोगों की बैठने की जो है व्यवस्था यहाँ पे, इतना बड़ा हॉल बनाया गया है, देख सकते हैं, है ना। अभी बहुत लोग कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, है ना। रामनवमी के दिन यहाँ और बहुत ही ज़ोरदार पूजा पाठ, और बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है ये जो झूमर लगा है गाइस, वो 7 लाख के आसपास की है, है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। गाइस ये जो मूर्ति भगवान श्री राम की है वो कोई आम मूर्ति नहीं है गाइस, ये राजस्थान के मरकाना पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति है, और ये एक सिंगल स्टोन से इसको तराशा गया है इस मूर्ति को। यहाँ पे भगवान श्री राम, सीता और साथ में उनके सेवक हनुमान जी भी विराजमान है, है ना। काफ़ी अच्छा सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है। सो गाइस भगवान श्री राम जी के मूर्ति के सामने में ही भगवान हनुमान जी का भी मूर्ति रखा गया है, चलो दर्शन कर लेते हैं यहाँ भी हम। ओके देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, शाम के समय में बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए, जय श्री हनुमान जी, है ना। और ये देखिए, है ना, काफ़ी अच्छा सुंदर मूर्ति है हनुमान जी का। और ये जो गाइस भगवान श्री राम जी की मूर्ति है, उसके जो जस्ट सामने है ये, है ना, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा, सब नीचे चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, है ना, नीचे आराम से चलते हैं नीचे सीढ़ियां से, है ना। और सामने जो गेट हम आए हैं वो दिख रही है यहाँ से, और वो वाटर फाउंटेन भी, और जस्ट मेरे सामने में यहाँ पे
काफ़ी अच्छा लाइट का वो लगा है, देख सकते हैं। और ये हाथी जी, हाथी भी है, हाथी भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, है ना। सो गाइस देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है, क्या लाइटनिंग है यहाँ। मंदिर की खूबसूरती तो यार देखते ही बनती है। इस मंदिर को बनाने में गाइस 15 करोड़ की लागत आई थी, है ना। 15 करोड़ की लागत से ये जो राम मंदिर है वो तैयार हुआ है। यहाँ पे इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप भी आइएगा गाइस एक बार यहाँ पे, ओके। सो गाइस अब हम मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं, काफ़ी अच्छा लगा हमको भगवान राम जी का दर्शन करने के बाद। अब गाइस हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, ओके।